जाने क्यों ये एहसास, अब तुम ही तो हो जिंदगी में, हाँ तुम ही तो हो जिंदगी तुम्हें पता है रोहित, अ लिटिल बिट ऑफ मी डाइड जब तुम, जिसे मैं बेइंतहा प्यार करती थी, तुमने मुझे धोखा दिया। उन दिनों मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पीठ पे किसी ने एक चाकू मार के छोड़ दिया, और वो घाव दिन रात जागते सोते मुझे वो घाव एहसास दिलाता था मेरे झूठे विश्वास का। फिर आया समय अफसोस का, ऐसा लगा कि जैसे तुम गुजर गए, हमारा प्यार गुजर गया। फिर आया डिटैचमेंट, दैट अ बिट्रेयर लाइक यू विल नेवर एग्जिस्ट इन माय रियलम अगेन। पर आज देखो, मैं वापस यही हूं, मेल्टिंग। मैसेज करूं या नहीं? खा लो प्लीज, खा लो। वैंडी प्लीज पिक मी अप, नीड टू टॉक। इधर आओ, क्या कर रहे हो? कभी लगता है रात में मम्मा ने बहुत शाली पार्टी की है। जा 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 जा। ओ, थोड़ा सा तो रेस्ट करने देंगे ना। चलो 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 चलो। कर दिया है मैंने उसे जायदाद से बेदखल। हाँ बताया रोहित ने मुझे और अनन्या को भी बताया। पूनम अब भी अपने एक्स हस्बैंड की फैमिली से कितनी क्लोज है। हाउ लवली। माँ, जो आपने किया है ना वो बिल्कुल सही किया है। अब रोहित को समझना चाहिए। अच्छा लगता है क्या ऐसे लड़कियों के पीछे भागना? ना कितना चीप लगता है ये सब। टी, ग्रीन टी। माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे I'm also ready for round two। वो कल रात को पार्टी हो गई थी। I understand। अभी मनु तो यंग है, उसे हैंगओवर भी नहीं होता। लेकिन हम लोग अगर रेड वाइन का ढक्कन भी सूंघ लेना तो हमें चढ़ जाती है। I think you should watch your drinks। You know what will help? Lemonade। I'll get you some lemonade। Okay? Let me have some fruit, yeah? अरे क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ? तुम्हें कभी कुछ नहीं होता, सब कुछ मुझे होता है। अब क्या हो गया यार? कब जाएंगी ये यार? ओ बाय माँ।
माँ क्या हुआ? सोच रही थी कि कल निक्की की सगाई है, लेकिन रोहित का क्या करूं? बेदखल तो कर दिया है उसे, लेकिन है तो वो निक्की का बाप। अभिशान के पेरेंट्स उसके बारे में तो जरूर पूछेंगे। पूनम को पूछा तो कहने लगे कि तुमसे पूछूं। माँ मुझे लगता है आप सही कह रही हैं। आपको रोहित को बुला लेना चाहिए। बाय। तू सोच नहीं सकता कितनी अमेजिंग रात थी। वही मुझे लगता अब आना मेरे पास वापस आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। लेकिन यार सवेरे से फोन लगा रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रही है। क्या काम में बिजी होगी ना? उसका तो पता नहीं भाई, पर तेरी लाइफ ना जुरासिक पार्क फिल्म 1, 2, 3 जैसी होगी, और जिसमें पहले सारे डायनासोर मर जाते हैं और अगली में अंडे में से फुदक फुदक के वापस आते हैं, और फिर आदमी मर जाते हैं, फिर डायनासोर जिंदा होते हैं, और ऐसे लगता है पूरी सृष्टि में से ना ये विलुप्त हो गए हैं, और ये सारी चुतियाब जितनी भी बीमारी है ना तेरी लाइफ में वापस आ जाती है। तेरे एक बात बता यार, मेरी लाइफ का डायनासोर से क्या लेना? फोन दे। अरे तेरा नहीं यार, मेरा फोन दे, आना का फोन होगा यार। अच्छा यही चुतियाब बोल रहा था। हेलो। 25 बार फोन किया, आप फोन ही नहीं उठाते। चलिए दरवाजा खोल दीजिए। प्रणाम मेहरा साहब, बेकार होने के बावजूद भी काफी व्यस्त हैं आप, एक कॉल तक नहीं उठाते। इनकमिंग के क्या पैसे लग रहे हैं? कौन है यार तू? क्या बेचने आए हैं, चंदा लेने आए? जो भी करने आए हैं उसे जरा ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास केवल 48 घंटे हैं 54 लाख लौटाने के लिए। क्या 54 लाख? कौन से 54 लाख? आपको याद है कुछ समय पहले आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे? हाँ वही तो थे, लेकिन तो मेरा इनकम टैक्स रिफंड आया था। वो रिफंड नहीं था, वो लोन था, लोन जो अब आपको हमें रिटर्न करना है, और प्रूफ है हमारे पास, पेपर वर्क है पूरा, और 48 घंटे हैं आपके पास। और मेरा साहब भागने की कोशिश मत कीजिएगा, वो क्या है ना कि हमारे हाथ कानून से थोड़े ज्यादा लंबे हैं, कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ ही निकालेंगे। जब मैंने किसी से लोन लिया ही नहीं तो काय का पैसे वापस करूं? तो 12 घंटे भाई साहब। और क्या है ना कि हमें गाली का लोच पसंद नहीं। चलते हैं, धन्यवाद। ये सब क्या है यार, इतने पैसे क्या करने वाला? ऐसा नहीं यार, पैसे मेरे अकाउंट में आए तो थे, पैसे तो मैंने सोचा इनकम टैक्स रिफंड आया तो मैंने, अब ये कह रहा है लोन, बैंक को पता लगाना पड़ेगा कि क्या चक्कर है। अरे वाह, तू तो बड़ा फास्ट फास्ट मूव ऑन कर रही है यार। हाँ क्या बात है, क्या बात है। मॉर्निंग में डिसाइड किया कि हरी के साथ डेट पे जाएगी और मॉर्निंग नाइट में भी उतर गई। नॉट बैड, मिलेनियर वाली वाइब्स आ रही है मुझे तुझसे। इट वाज रोहित। What? रोहित, तू जानती है तू क्या कर रही है? पहले वो किस और अब I don't know यार, जितना तू उससे दूर भागने की कोशिश करती है वो उतना ही करीब आ रहा है। और मे भी ये साइन हो कि तुम्हें एक दूसरे को एक लास्ट चांस देना चाहिए, और उसमें ये बेबी I don't know यार, कबीर के लिए भी तो सही है ना? डैडी नहीं नहीं सुन, तू छोड़िए। अरे क्या कर रही? नहीं तू छोड़, देख 48 आवर्स है ना तेरे पास, 48 घंटे सोच, अच्छे से सोच और उसके बाद डिसाइड कर लेना। जल्दी क्या है, इट्स ओके। हे आना। हे वांडी। हाय हाय। जाना याद है ना शाम को मैं तुम्हें मॉम फैमिली डिनर। ओह यस, आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट। आई विल बी देयर 100%। ऑसम, आई विल वेट फॉर यू। बाय, आई विल सी यू इन द इवनिंग। यस यस, बाय वांडी। बाय बाय। है ना? अब ये क्या था? कल रात यू स्लेप्ट विद योर ऑलमोस्ट एक्स हस्बैंड, और अभी अपने ऑलमोस्ट बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जा रही हूँ मम्मी से मिलने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट कैजुअल। उसकी माँ को भी पता है सब कुछ, ये सिचुएशन, सो प्रॉमिस किया है आई हैव टू गो। गंदे हो गए ये
मैं सालों सालों से नहीं धोया शायद। आना तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो रहा है सब? वो घर थोड़ा सा गंदा लग रहा था तो मैं साफ करा रही हूँ। क्यों, ये क्या है? Do you like it? तुम्हारे लिए I was... It's nice now. गौरी छोड़ो से, छोड़ो से मैं कह रहा हूँ। You go home. क्यों बेबी, पसंद नहीं आया? तुम समझी नहीं कल रात को मैंने क्या बोला। तुम्हारे मेरे बीच में जो भी था अब खत्म हो गया। ओके ओके, शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके एक लास्ट चांस दे दो, लेट्स बी फ्रेंड्स। क्या कोई कॉलेज लव स्टोरी चल रही है जो फ्रेंड्स फ्रेंड्स खेलेंगे? तुम्हारे मेरे बीच में जो भी था सिर्फ फिजिकल था और अब नहीं है। इट इज ओवर नाउ, गो, जाओ यहां से। हमारा यार रोहित, वो टैक्स रिफंड के पैसे नहीं थे। लेकिन तू फिकर मत कर, देखा शाम तक मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा। 50-60 हज़ार पर मैं वैसे ही कर दूंगा यार। यार एटलीस्ट तू उनके मुंह पे तो कुछ मारेगा। तू कैसी बातें कर रहा है यार, 50-60 हज़ार से क्या होगा? और वो पैसे टैक्स रिफंड के नहीं थे तो आए कहां से? Listen, आज रात को ना 8 बजे वेडिंग प्लानर्स आ रहे हैं। You have to come. Nikki, so sorry यार। मुझे 8 बजे डिनर के लिए जाना है। Let's do one thing. मैं जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूंगी and by 11 I'll be there. Actually, like he has to leave early also. So no worries, we'll manage. Oh ho. Don't forget to send me pictures, okay? I would love to see. क्या मतलब तुम मुझसे बात नहीं कर सकते? Hello, Aman. चलो, bye. See you. Bye. वानी, क्या हुआ? Are you all right? Yeah, it's anyway. Aman अपनी बीवी के साथ शिमला गया है, so you might be getting a mail pretty soon regarding the fact that शायद हमें project वापस मिल जाए. What? अन्ना ये सब मेरी गलती थी ना, तो मैंने ही अमन से कहा था कि जाओ अपनी बीवी को लेकर कहीं बाहर जाओ, उससे बात करो, उसे मनाओ ताकि ये प्रोजेक्ट हमें वापस मिल जाए। और वहां जाके पता है मुझे मैसेज कर रहा है that I'm missing you, I'm dreaming about you, you're my soulmate and shit and bullshit. I'm just giving in. मुझे समझ में नहीं आता है ना कि if somebody can't love you the way you love that person, then why the hell do you get to play with them? वैसे आपका गार्डन काफी बड़ा है to arrange a very stylish shaadi. I know that. मासी, आप कहाँ जा रहे हो अभी? यार बानी ऑफिस चली गई, माँ यहाँ से उठ के वहाँ चली गई और अब आप? निकिया, क्यों तुम ऐसे बोल रही हो? मैं यहीं तो हूँ, तुम्हारे पास। हाँ, सब कुछ तो परफेक्ट है। It looks fabulous, हाँ, really good ideas. अब तुम और ईशान डिसाइड कर लो क्या चाहिए। हाँ, we're right here. एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ। बैठ इधर। और डिसाइड क्या करना है? जैसा कि इन्होंने कहा कि वी हैव अ ह्यूज गार्डन, तो हमें ह्यूज मॉडर्न मंडप चाहिए, यूरोपियन डेकोर विद इंपोर्टेड वाइट लिलीज। आई थिंक मंडप सिंपल एंड ट्रेडिशनल होना। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, लेट मी टॉक। हमारा शादी ऐसे ही होता है ना, ट्रेडिशनल। आप वो ट्रेडिशनल वाला स्लाइड दिखाइए। हाँ दादी, हम वेडिंग एकदम ट्रेडिशनल और एकदम सिंपल मंडप करते हैं ना। हाँ, जो करना है करो, मैं कौन होती हूँ? ये क्या हो रहा है, तुम सेल्फीज भेज रही हो?
किसको? नहीं नहीं नो नो पूनम नहीं, दोस्त है, एनआरआई दोस्त है और इसे ये यू नो इंडियन साड़ी सब बहुत ही पसंद है, तो मैंने सोचा फोटो भेज दूं। तुम्हें लगता है तुम झूठ बोलोगी और तुम्हारी बहन मान लेगी? माय गॉड शीना, यू आर ब्लशिंग एंड ऑल, प्रिटी प्रिटी वुमन इन लव। प्यार का समा बांध रही हो क्या? प्लीज पू, हू इज द लकी मैन? पू, याद है तुमने मुझे कहा था कि शादी बर्बादी होती है? हाँ, और अब चौथी शादी करने का प्लान है क्या? What about your words? Come on. अच्छा कन्यादान कब करना है ना मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। पूनम रोहित, रोहित तुम इतनी लेट क्यों आए? सब निकी की शादी की तैयारी में उसकी हेल्प कर रहे हैं, जाओ तुम भी थोड़ी देर बैठो उसके साथ। हैना को एक डिनर मीटिंग के लिए गई है विक्टोरिया क्लब। मम्मी वाली फोटोग्राफ देखो ना, इसमें पहली बार कबीर का दांत दिखा था। लुकिंग सो क्यूट ना। इज वेरी क्यूट। लेकिन बेटे तुम्हें पता है बच्चे तब एंजॉय करते हैं जब हर वक्त उनके साथ कोई और हो उनकी उम्र का, उनके साथ खेलने के लिए। एना, या यू मस्ट प्लान अनदर बेबी और कबीर सेख। नो नो नो, मैं शादी एक बार कर चुकी हूँ और वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगी। नो वे बेटे, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है और तुम्हें अपनी गलतियों के साथ सिर्फ रिग्रेट नहीं एसोसिएट करना चाहिए, तुम्हें अपनी गलतियों से कुछ सीखना भी चाहिए। इस तरह से अपने पास से डरोगी तो जिंदगी में आगे कुछ भी नहीं कर पाओगी तुम। और ये भी तो जरूरी नहीं है कि जब नेक्स्ट टाइम तुम जिंदगी गुजारने के लिए किसी हमसफर को चुनो तो जिंदगी तुम्हें दोबारा उसी मोड़ पे ले आए। सच कहूं बेटे, आई लव वर्किंग विद मेन, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत पसंद है। थैंक यू। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि जब हैरी शादी, ओके बाबा ओके, लेकिन इतना तो कह सकती हूँ ना दैट आई डोंट माइंड हैविंग हर एज माय डॉटर इन लॉ। इन फैक्ट बेटे, आई वुड लव टू हैव यू एज माय डॉटर इन लॉ। Excuse me, I'll be back in a second, yeah? कल रात को जो भी हुआ मुझे लगा कि तुम्हारे मेरे बीच में फिर से एक बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। We can be together. What the fuck are you doing with Harry? I'm sorry, but you're wrong. My decision is the same, Rohit. Listen, Ananya, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। तुम समझते क्यों नहीं हो रोहित? आजाद करो ना मुझे, प्लीज। मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। And let me tell you one thing, if there was a chance na, after last night, wo chance is gone, it's zero. I've popped the pill. You want a divorce? Okay. Mujhe 54 lakhs de do. Main tumhe divorce de dunga. Come to think about it. It's not too much. No? I mean, considering कि तुमने मेरे बच्चों की, मेरे फैमिली की, मेरे बिजनेस की माँ बहन कर दी, you fucked up my peace of mind. What's 54 lakhs? पैसे दे दो, divorce ले लो. Right. You know, Rohit, you never fail to shock me. Never. अभी एक पल पहले तुम divorce नहीं देना चाहते थे और अब तुम्हें 54 lakhs चाहिए? For what? You know, Rohit, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती रहे हो। My biggest regret in my life, and you prove that every single day. That's your fucking worth. No, Rohit, that is your worth. क्यों चाहिए तुम्हें इतने पैसे? अपनी नई girlfriend पे
रोहित, व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या हो रहा है? ये कौन है ये लोग? हाथ लाओ इधर। कौन थे ये लोग रोहित? लोन शार्क टाइप के लोग हैं। कह रहे 54 लाख रुपीस दो। कहां से दूं? दिल